ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 700 श्लोक। तो ये जो 18 अध्याय को 3 भाग में विभागीकरण किया गया है, पहला 6 अध्याय कर्मयोग, दूसरे 6 अध्याय 7 नंबर से लेकर 12 नंबर तक अध्याय भक्ति योग, और तीसरा जो 6 अध्याय है 13 नंबर से 18 नंबर तक ये ज्ञान योग है उसमें। तो सबसे पहले इसका भूमिका कि धृतराष्ट्र अंधे थे, भौतिक रूप से भी अंधे थे और धार्मिक दृष्टिकोण से भी वो अंधे थे। उनके 100 पुत्र थे, वो भी धार्मिक दृष्टिकोण से अंधे थे। पांडु महाराज जो कि धृतराष्ट्र के भाई थे, उनके जो 5 पुत्र, वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक समय में ऐसा परिस्थिति आता है कि जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र पांडव लोगों से उनका जो राज्य छीन लेते हैं किसी भी प्रकार से, और उनको वनवास और अज्ञातवास दिया जाता है। लेकिन जब वो वनवास और अज्ञातवास पूरा करके आते हैं, फिर भी उनको दुर्योधन उनका जो राज्य वो वापस नहीं करता। भगवान कृष्ण दूत बन के आते हैं, आखिर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप राज ना दो, 5 गांव भी दे दो तो भी वो लोग अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अपना अपना पोषण कर लेंगे। लेकिन उसमें भी दुर्योधन राजी नहीं होते, तो फिर युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है और युद्ध क्षेत्र में जो है दोनों पक्ष पहुंचते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र संजय जी को पूछ रहे हैं, क्योंकि महर्षि व्यासदेव जी की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिला था ताकि वो जो महाभारत युद्ध को पूरा देख सके, एक जगह में बैठकर वो पूरा महाभारत युद्ध को देख सके। तो इसी कारण धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। तो पहला श्लोक, अथः प्रथमोध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सो पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सवः, मामका पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। सो धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अर्थात कुरुक्षेत्र नामक धर्मक्षेत्र में समवेता युद्धोत्सवः, जो भी युद्ध करने की इच्छा से जो मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से समवेता जो वो वहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब युद्ध क्षेत्र में समवेत हुए हैं तो युद्ध करेंगे ही, तो इस प्रकार प्रश्न धृतराष्ट्र क्यों पूछ रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि धृतराष्ट्र पहले ही वो अलग कर रहे हैं मेरे पुत्र और पांडु पुत्र, जबकि पांडु जब चले गए थे तो पांडु के पुत्र ये जो 5 भाई है वो धृतराष्ट्र को ही अपना पिता जैसे सम्मान कर रहे थे, उनको प्रेम कर रहे थे। लेकिन धृतराष्ट्र यहाँ पे कह रहे हैं मेरे पुत्र और पांडु पुत्र, और इसमें धृतराष्ट्र पूछने का 4 कारण आता है इसमें, कि सबसे पहला तो है वो यही इच्छा कर रहे थे कि मेरे पुत्र
इस युद्ध में जीतेंगे, ये इनकी इच्छा थी उनकी। और दूसरा था कि, लेकिन वो डाउटफुल थे कि पता नहीं मेरे पुत्र युद्ध जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तीसरा है कि ही वॉज फियरफुल, थोड़ा भयभीत थे कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र रूपक धर्म क्षेत्र में कहीं मेरे पुत्र, पुत्रों के ऊपर वो धर्म क्षेत्र का प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा और वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके तो नहीं आ जाएंगे, जिसको धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे। धृतराष्ट्र चाहते थे युद्ध हो। और चौथा रीजन है कि वो बड़े होपफुल थे कि कहीं पांडव लोग जो है, पांडव लोगों के ऊपर धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़े और पांडव ही खुद कॉम्प्रोमाइज करके युद्ध क्षेत्र से निकल जाए कि नहीं हमें युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। तो ये चार कारण की वजह से धृतराष्ट्र यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन भगवान जी का प्लानिंग कुछ और है। भगवान जी का प्लानिंग ये है कि जैसे किसान जो खेती से खरपतवार को निकाल देता है, जिसको अनवांटेड वीड्स कहते हैं, जैसे खरपतवार को निकाल देता है किसान ताकि जो खेती में अच्छा सा फसल उगे, तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण किसान रूप से इस युद्ध क्षेत्र में वो सारे खरपतवार, खरपतवार कौन है, ये जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और जितने भी उनके जो फॉलोअर है, उनके जो जो अनुयायी है, उन सबको भगवान कृष्ण निकालना चाहते हैं, है कि नहीं, उनको समाप्त करना चाहते हैं ताकि जो पांडव जैसे जो 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 असली क्षति है वो जो है, असली जो फसल है वो अपना सही फल दे सके। तो इस प्रकार ये प्रथम श्लोक का जो है व्याख्या था, और हम फिर अगले श्लोक में, अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।